हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। तो आज हम वेटनरी पैथोलॉजी प्रैक्टिकल 2 का डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर यूनिट 4 एंड 5 आती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का पेपर था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट पोस्टमार्टम फाइंडिंग ऑफ फॉलोइंग डिजीजेज। तो पहला है रूमेनल टिम्पेनी। इसमें क्या होता है कि ये रूमेन है वो फूल जाता, मतलब आफ्र आ जाना, वही है। देखते हैं इसका। रोमेनल टिम्पेनी रिफर टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ द रोमन एंड रेटिकुलम विद गैसेस। इट अकर सेकेंडरली इन नंबर ऑफ कंडीशन इन विच इरेप्टेशन ऑफ द गैसेस इज इम्पेडेड, बट इट मेजर इम्पोर्टेंस इन प्राइमरी डिजीज इन कैटल अंडर सर्टेन डायट्री रेजिमेंट। फिर एनिमल दैट हैव डाइट अबाउट एन आवर प्रीवियसली सो प्रोट्रूजन एंड कंजेशन ऑफ द टंग मार्क कंजेशन हिमोरेज ऑफ लिम्फ नोड्स हेड एंड नेक एपिकार्डियम एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्राइबल किडनी एंड मुकोजल हाइपरीमिया इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द लंग्स आर कंप्रेस्ड सर्वाइकल इसोफेगस सो कंजेशन हिमोरेज। तो ये सारी पोस्टमार्टम फाइंडिंग है। जब इससे कोई एनिमल की डेथ होती है तो ये हमें देखने को मिलता है रूमिनल टिम्पेनी में। फिर है फुट एंड माउथ डिजीज। तो इसमें फुट एंड माउथ पार्ट मेनली अफेक्ट होता है। द लेजन ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज आर रिलेटिवली माइल्ड एक्सेप्ट फॉर दोज इन माउथ ऑन द फिट एंड अडर। दीज लेजन्स आर एक्सटेंसिव सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैज अकर्ड। इन सम केसेस द वेसिकल्स मे एक्सटेंड टू द फेरिंग्स इसोफेगस फॉर स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन फुट एंड माउथ डिजीज। आप कमेंट बॉक्स में बताइए फुट एंड माउथ डिजीज किससे होती है, बैक्टीरिया या वायरस से, और उसका नाम भी बताइए। फिर ब्लैक वाटर। तो इसमें मेनली हाइंड लेग अफेक्ट होता है। देखते हैं, कैटल दैट हैव डाइड ऑफ ब्लैक वाटर आर ऑफन फाउंड इन कैरेक्टराइज्ड पोजीशन लाइंग ऑन देयर साइड विद अफेक्टेड हाइंड लिम्ब सिंगुलरली स्टक आउट स्टिफली। ब्लॉटिंग एंड पुट्रिफिकेशन अकर क्विकली एंड ब्लड स्टैंड फोर्थ एक्सुड्स फ्रॉम द नोस्ट्रिल एंड एनस। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड अकर रैपिडली। इंसाइजन ऑफ अफेक्टेड मसल मास रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ डार्क डिस्कलर्ड स्वॉलन टिश्यू विद रैंसिड ऑर्डर। तो ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग मिलती है इसके अंदर ब्लैक वाटर। ये मेनली क्लस्ट्रीडियम चोवाइस होता है। फिर है हिमोरेज सेप्टिसीमिया। इसमें सेवरे थ्रोट एंड बिस्किट एडिमा हो जाता है इसकी। देखते हैं, एट नेक्रोप्सी द ग्रॉस फाइंडिंग आर यूजुअली लिमिटेड टू जनरलाइज पेटेकल हिमोरेज पर्टिकुलरली अंडर द सीरोस और इडम ऑफ लंग लिम्फ नोड। सबक्यूटेनियस इन्फिल्ट्रेशन ऑफ जिलेटिनस फ्लूड मे बी प्रेजेंट एंड इन अ फ्यू एनिमल देर आर लेजेंस ऑफ अर्ली निमोनिया एंड हिमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। आइसोलेशन ऑफ पॉजिटिव बैक्टीरिया इज बेस्ट अटेम्प्टेड फ्रॉम हार्ट ब्लड एंड स्प्लीन। फिर है एल्शियम। तो ये क्या होता है देखते हैं, लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिनजाइटिस। ये रोडेंट बॉर्न वायरल इन्फेक्शन डिजीज है दैट प्रेजेंट एसेप्टिक मेनिनजाइटिस एनसेफलाइटिस एंड मेनिंजो एनसेफलाइटिस। पॉजिटिव एजेंट इज लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिनजाइटिस वायरस एल्शियम वी। एल्शियम इज वायरल इन्फेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूड। द नेम इज बेस्ड ऑन द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू हैव एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ लिम्फोसाइट ड्यूरिंग इन्फेक्शन। पोस्टमार्टम लेजन इन माइस शो साइन ऑफ हिमेटोमेगली स्प्लेनोमेगली लिम्फोएडिनोपैथी सोलन और श्रंकन एंड पिटेड किडनी ड्यू टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये रोडेंट बॉर्न डिजीज है और इसमें ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, राइट मटेरियल टू बी कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ फॉलोइंग डिजीज कंडीशन। तो क्या क्या मटेरियल कलेक्ट करेंगे। पहला है टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस। आप समझ गए होंगे ये पॉइजन से रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ पॉइजन पॉइजनस सब्सटेंस आर प्रोड्यूस बाय प्लांट एनिमल बैक्टीरिया। तो उसमें क्या होता है, ए सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ सैंपल ऑफ द सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केसेस शुड बी सेंड टू द फॉरेंसिक लेबोरेटरी फॉर केमिकल एनालिसिस। सैंपल ऑफ लिवर शुड बी कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। इफ फीड एंड वाटर इज सस्पेक्टेड एज द सोर्स ऑफ पॉइजनिंग
इट शुड एकम्पनी द टिश्यू सैंपल। फिर एवियन माइकोप्लाज्मोसिस, तो ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है चिकन के अंदर। इसमें हम क्या लेते हैं कलेक्टिंग, एक तो सीरम, साइनोवेल फ्लूड, स्वेब फ्रॉम नेजल कैविटी, साइनस, ट्रेकिया, एयर सैक, अफेक्टेड ऑर्गन इन 10% पर मिलियन। तो ये एवियन माइकोप्लाज्मोसिस। फिर है साल्मोनेलोसिस, इसमें हम क्या लेते हैं, ये किससे होती है, फाउल, टाइफाइड एंड पुलोरम डिजीज। इसमें क्या लेते हैं, नो एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट इन प्रीवियस 2 to 3 weeks, डेड इन सेल, कल्ड चिक्स, इंटेस्टाइनल एंड क्लोइकल कंटेंट, एग सेल सरफेस, एम्ब्रियो, हैचरी डेब्रिस, स्पेशली फ्लफ एंड डस्ट। तो ये साल्मोनेलोसिस में ये हम कलेक्ट करते हैं। फिर है जॉन्स डिजीज, में हम क्या कलेक्ट करते हैं, ये पेरा ट्यूबरकुलोसिस है, स्मेयर्स ऑफ मुकोसा एंड टिश्यू, पिंच्ड फ्रॉम रेक्टम एंड पास्ड ओवर द स्लाइड विद द हेल्प ऑफ अदर स्लाइड एंड फिक्स्ड बाय जेंटाइल हीट, फीकल सैंपल रिमूव फ्रॉम रेक्टम इन द स्टेराइल वाइल केप्ट ऑन आइस, फ्रॉम डेड एनिमल स्मेल, फ्रॉम स्क्रैपिंग ऑफ इलियोसिकल जंक्शन, स्मॉल पीसेस अफेक्टेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, फ्रॉम इलियोसिकल मेसेंट्रिक लिम्फ नोड। तो जॉन्स डिजीज में यहाँ से लेते हैं हम। फिर एक क्वेश्चन थर्ड, राइट ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक लेजन ऑफ फॉलोइंग डिजीज कंडीशन। तो फेशियलिस, ये एक पैरासाइटिक डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय फेशियोला पैरासाइट विच आर फ्लैटवर्म रिफर्ड एज लिवर फ्लूक्स। इसके ग्रोस फीचर क्या है, हेपेटोमेगेली, लिवर का साइज बढ़ जाता है, एंड हिमोरेज ऑन पेरेन्काइमा सीन। तो दो पार्ट होते हैं लिवर के, पेरेन्काइमा एंड कॉर्टेक्स। तो पेरेन्काइमा में हिमोरेज देखने को मिलता है, लिवर पेरेन्काइमा शो नेक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस। ग्रोस पैथोलॉजी ऑफ बाइल डक्ट शो एनगॉर्जमेंट ऑफ बाइल इन द डक्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लैकिश ब्राउन एक्सुडेट इन बाइल डक्ट। द हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस इन लिवर बाय फेशियलिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफी, नेक्रोसिस एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट अलोंग द माइग्रेटरी ट्रैक्ट। तो माइक्रोस्कोपिक लेजन की बात करें तो दो मेन चीज देखने को मिलती है, एक तो माइग्रेटरी ट्रैक्ट एंड एक पाइप स्टेम लिवर। पूछते ही पूछते हैं ये वाइवा में भी, तो पाइप स्टेम लीवर क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट इवेंचुअली लीड टू फाइब्रोसिस एंड कंडीशन कॉल्ड पाइप स्टेम लीवर। और माइग्रेटरी ट्रैक्ट क्या है, फेशियल आर कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफी, नेक्रोसिस एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट अलोंग द माइग्रेटरी ट्रैक्ट फॉर्म बाय पैरासाइट। डायग्राम्स देखते हैं तो ये आप देख सकते हो क्लियरली दिख रहा है, ये फेशियला पैरासाइट। आगे चलते हैं पल्मोनरी एडिनोमेटोसिस। एडिनो मतलब ग्लैंड, पल्मोनरी मतलब लंग। ओवेन पल्मोनरी एडिनोकार्सिनोमा आल्सो नोन एज पल्मोनरी एडिनोमेटोसिस। ओवाइन मतलब सिप, भेड़ बकरी। पल्मोनरी एडिनोकार्सिनोमा तो ये कैंसर है जो सिप में देखने को मिलता है, आल्सो नोन एज पल्मोनरी एडिनोमेटिस और जाग सिक्टे डिजीज। तो ग्रोसली क्या फीचर है, लंग्स आर कंसिडरली एनलार्ज एंड हैवियर देन नॉर्मल एंड हैव सेवरल फर्म ग्रे वेरिएबली साइज नोड्यूल्स। और माइक्रोस्कोपिक बात करें तो नोड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल और कोलुमनर एपिथेलियल सेल लाइनिंग एयर वेज एंड एलुलाई एंड फॉर्म पेपिलरी और असिनार ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है। फिर है मैक्रोएब्सेस। तो एब्सेस आपको कई सारे ऑर्गन में देखने को मिल सकता है। तो हम लीवर की बात करें तो लीवर अब्सेस इज डिफाइंड एज पस फिल्ड मास इन द लीवर दैट कैन डेवलप फ्रॉम इंजरी टू लीवर और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन डिसेमिनेटेड फ्रॉम पोर्टल सर्कुलेशन। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीवर अब्सेस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। बैक्टीरियल लीवर अब्सेस इज ऑफन कॉल्ड पायोजेनिक लीवर अब्सेस। फिर अगला वाला क्वेश्चन था हमारा कोकिडियोसिस। तो इसके ग्रोस फीचर की बात करें तो इमेरिया नेकेट्रिक्स प्रोड्यूस मेजर लेजन इन द एंटीरियर एंड मिडल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल वाइट स्पॉट यूजली इंटरमिंगल्ड विद राउंडेड ब्राइट और डल रेड स्पॉट ऑफ वेरियस साइजेस कैन बी सीन ऑन द सेरोसल सरफेस। इमेरिया टिनेला कोज सेवरे हिमोरेज इन सिका। और माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो सीजोंट एंड ऊसिस्ट
आर विजिबल इन सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो राइट शॉर्ट नॉट अबाउट, तो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी क्या होता है देखते हैं। ये एक मेथड है, क्या है, कलेक्टिंग सेल्स फॉर साइटोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये एक मेथड है, इन दिस मेथड सेल्स आर कलेक्टेड आफ्टर दे हैव बीन आइदर स्पॉन्टेनियसली शेड बाय द बॉडी, स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन, और मैनुअली स्क्रैप्ड बर्स्ट ऑफ बाय सरफेस इन द बॉडी, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन। एग्जाम्पल देखते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्सफोलिएशन इज वैन सेल्स ऑफ प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी आर शेड इन टू प्लूरल और पेरिटोनियल फ्लूड। दिस फ्लूड कैन बी कलेक्टेड वाया वेरियस मेथड फॉर एग्जामिनेशन। काफी सिंपल लिखा है, समझ गए होंगे आप। एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल एक्सफोलिएशन इंक्लूड पेप स्मेयर वेयर सेल्स आर स्क्रेप फ्रॉम सर्विक्स विद सर्वाइकल स्पेचुला, ब्रोंकियल ब्रशिंग वेयर ब्रोंकोस्कोप इज इंसर्टेड इनटू ट्रेकिया एंड यूज्ड टू इवैल्यूएट विजिबल लेजन बाय ब्रशिंग सेल्स। तो सिंपल सा डिफरेंस है ये, तो मतलब स्पॉन्टेनियस वाला तो नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी खुद सिक्रीट करती है, और मैकेनिकल वाला हम बाहर से एक्सटर्नल से स्क्रैप करके सेल निकालते हैं ताकि उसका एनालिसिस कर सकें। तो ये आगे चलते हैं, क्रायोस्टेट क्या होता है। द की इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रायोसेक्शन इज द क्रायोस्टेट विच इज इसेंशियली अ माइक्रोटॉम इनसाइड अ फ्रीजर। तो क्रायोसेक्शन में एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रायोस्टेट, विच इज इसेंशियली अ माइक्रोटॉम इनसाइड अ फ्रीजर। द माइक्रोटॉम कैन बी कंपेयर टू अ वेरी एक्यूरेट डेल स्लाइसर कैपेबल ऑफ स्लाइसिंग सेक्शन एज थिन एज 1 माइक्रोमीटर। ए यूजुअल हिस्टोलॉजी स्लाइस इज कट 5 to 10 माइक्रोमीटर। सर्जिकल स्पेसिमेन इज प्लेस्ड ऑन द मेटल टिश्यू डिस्क विच इज देन सिक्योर्ड इन द चक एंड फ्रोजन रैपिडली टू अबाउट -20 to -30 degrees Celsius। ये आपको ये इंस्ट्रूमेंट है क्रायोस्टेट। फिर गाउट क्या होता है, तो गाउट डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन विसरल ऑर्गन लाइक किडनी यूरेटर हार्ट लिवर गट इज कॉल्ड विसरल गाउट। इट इज एक्यूट और मोर कॉमन इन गाउट रिपोर्टेड इन पोल्ट्री। यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द लिवर एक्सक्रेटेड बाय किडनी। डिसरप्शन इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड लीड टू गाउट। मतलब ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो सकता है, वो गाउट बन सकता है। एक्सेस ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डिजीज लाइक आईबीडी आईबी अल्फा टॉक्सोसिस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गाउट। ग्रॉसली चोक लाइक क्रिस्टल आर डिपोजिट ऑन किडनी एंड यूरेटर्स। तो चोक लाइक क्रिस्टल होता है गाउट, ये देख सकते हैं आप, लिम्फ में मिलता है, ये पैर का ये है ये। इसका माइक्रोस्कोपिक फीचर। बायोप्सी की बात करें तो बायोप्सी इज मेडिकल टेस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड बाय सर्जन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व्ड सैंपलिंग ऑफ सेल और टिश्यू फॉर एग्जामिनेशन। इट इज द मेडिकल रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम ए लिविंग सब्जेक्ट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एक्सटेंट ऑफ अ डिजीज। द टिश्यू इज जनरली एग्जामिन्ड अंडर ए माइक्रोस्कोप बाय पैथोलॉजिस्ट एंड कैन बी आल्सो एनालाइज्ड केमिकली। व्हेन एंटायर लंप और सस्पिशियस एरिया इज रिमूव्ड द प्रोसीजर इज कॉल्ड एक्सिशनल बायोप्सी। When only sample or tissue removed with preservation of histological architecture of the tissue cell, the procedure is called incisional biopsy or core biopsy. When sample of tissue or fluid is removed with the needle in such a way that cells are removed without preserving the histopathological architecture of tissue cell, the procedure is called needle aspiration biopsy. So, teen tarike hoti hai, excisional, incisional and needle aspiration. काफी कॉमन टर्म है ये बायोप्सी। फिर है नोटिफिएबल डिजीज, ये वो बीमारियां होती है जो सरकार कहती है कि हमें इनका आंकड़ा चाहिए। जैसे कोई वेटनरी हॉस्पिटल में डॉक्टरों को सरकार की तरफ से ऑर्डर मिला कि रिंडरपेस्ट फुट एंड माउथ डिजीज का अगर कोई केस आया तो आपको हमें तुरंत प्रभाव से बताना है, तो वही होता है नोटिफिएबल डिजीज, ताकि सरकार उन पर निगरानी रख सके, फिर उनको मॉनिटर कर सके और फिर कंट्रोल और कुछ स्टेप उठाए जा सके, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इफ वेटनरियन सस्पेक्ट दैट डिजीज आउटब्रेक अंडर इन्वेस्टिगेशन इज लाइकली टू कॉज बाय लीगली नोटिफाइड डिजीज, कॉन्टैक्ट शुड इमीडिएटली विद अ
appropriate regional or national veterinary authorities before proceeding for postmortem examination. तो नोटिफिकेबल डिजीज क्या है? रिंडरपेस्ट, फुट एंड माउथ डिजीज, क्लासिकल स्वाइन फीवर, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूकैसल डिजीज. तो ये इन डिजीज से ग्रेट सेवरिटी, हाई एबिलिटी टू स्प्रेड रैपिडली एंड सोशो इकोनॉमिक पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस. दीज डिजीज आर गवर्न बाय स्ट्रिक्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशन. तो सरकार इन पे कंट्रोल रखने के लिए मेजर उठाती है, तो ये नोटिफिकेबल डिजीज होती है. फिर ड्रॉ डायग्राम ऑफ टीबी नोड्यूल ट्यूबरकुलोसिस और डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ पोल्ट्री. तो आसानी था ये, तो टीबी का ये डायग्राम था, टीबी नोड्यूल का. एपिथेलॉइड मैक्रोफेज, मल्टी न्यूक्लियोट गैंट सेल, सेंट्रल केस सेल. और इस डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ पोल्ट्री तो इसोफेगस, क्रॉप, लीवर, गॉल ब्लैडर, गिजार्ड, वेंट, क्लोइका, सीका. सो थैंक यू वेरी मच. लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच.